के बिजी स्केड्यूल में ना किसी के पास बनाने का समय है और ना ही खाने का। ऐसे में बस इंस्टेंट मेकिंग फूड ही है जो इंसान की नैया पार लगा रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रोज नाश्ते में खाए जाने वाला ओट्स, जिससे बनाने में मैगी से भी कम टाइम लगता है। ये एक कटोरी ओट्स की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। इस एक कटोरी ओट्स में बॉडी के लिए फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसी सारी चीजें मौजूद होती है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा, सुपर कूल दिखने के लिए नॉलेज भी तो बढ़नी चाहिए। इसलिए तो टेकबुल आपके लिए लेकर आया है इन ओट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रॉ ओट्स, जिसे जई भी कहते हैं। अब इन ओट्स को सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इसमें से अनवांटेड चीजों को इनसे अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसे मैग्नेटिक सेपरेटर से पास किया जाएगा, जो इसमें मिले हुए मैग्नेटिक पार्टिकल्स को इनसे अलग कर देती है। यहां से छटाई होने के बाद इसे डीस्टोनर मशीन में डाला जाता है, जो इसके अंदर मौजूद सभी कंकड़ पत्थर को इससे अलग कर देगा। अब भाई सफाई तो बहुत अच्छे से हो गई है, अब बारी है अगले प्रोसेस की, जिसमें जई के आउटर कवर को हटाया जाता है। इसका मतलब कि जई के अनाज से उसके छिलके को अलग कर दिया जाएगा। अब अगर आपने कभी ओट्स खाया है तो आपने गौर किया होगा कि ओट्स बहुत सूखे हुए होते हैं, लेकिन ये इतने ड्राई ऐसे ही नहीं होते हैं। इसे ड्राई करने के लिए मशीन के जरिए इसकी नमी को दूर किया जाता है। इसके लिए इसके छिलके हटाने के बाद इन्हें एक सिलेंड्रिकल मशीन में एक फिक्स टेम्परेचर पर सुखाया जाता है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो इन्हें अगले स्टेप के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इन ओट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कई स्टेप से गुजारा जाता है, जिसमें जई को फ्लैट करना मेन प्रोसेस है। इसमें जई को पैकेट ओट्स के फॉर्म में लाने के लिए इन्हें दो भारी भरकम सिलेंडर के बीच में रोल किया जाता है, जिससे ये फ्लैट फॉर्म में बदलने लगते हैं। इस प्रोसेस को कई कई बार किया जाता है, तब तक जब तक ये अच्छे से फ्लैट ना हो जाए। जब ये अच्छे से स्टैंडर्ड ओट्स के फॉर्म में आ जाते हैं तो आखिर में इन्हें रोस्टर मशीन में डालकर अच्छे से रोस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे ओट्स बनकर तैयार है। अब बारी है तो बस इसके पैकेजिंग की, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ओट्स को पैक किए जाने वाले पैकेट्स पर प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें कंपनी का नाम, उसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जैसी छोटी मोटी डिटेल्स प्रिंट की जाती है। उसके बाद एक फिक्स वेट के हिसाब से इन ओट्स को पैकेट में भरकर इन्हें सील पैक कर दिया जाता है। अब ये तैयार ओट्स बाजार में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, फिर वहाँ से आपके आसपास की शॉप पर, और फिर दूध या फिर चटपटे मसाले फ्लेवर के साथ आपके नाश्ते की टेबल पर परोसे जाएंगे, जहाँ आप इन ओट्स की बदौलत अपना समय बचाते हुए भी स्वादिष्ट नाश्ते के मजे उठा रहे होंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।